सुपरकंडक्टर्स में, सुपरकंडक्टर देखो, अगर आप ये कहो कि आज मैं घर जाऊंगा और सुपरकंडक्टर बनाऊंगा, क्या होता है पहले सीख लो फिर बना के ट्राई करना। कैसे कि सपोज करो आपके पास एक कोई भी कंडक्टर है, किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है और टेम्परेचर कम करता हूँ तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। एक काम करो, उसका टेम्परेचर कम कर दो, रेजिस्टेंस कम हो गई, और कम कर दो, रेजिस्टेंस और कम हो गई, और कम कर दो, रेजिस्टेंस और कम हो गई, और कम कर दो, रेजिस्टेंस और कम हो गई, इतना कम कर दो कि रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो। तो उस स्पेशल टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस जीरो हो गई और मटेरियल क्या बन गया, सुपरकंडक्टर। कोई कहते हैं मैं आज बनाऊंगा घर पे, कैसे बनाऊंगा, फ्रिज में रख दूंगा, फ्रीजर में, कंडक्टर नहीं बनता, बहुत माइनस केल्विन, वो केल्विन नीचे डाउन जाना पड़ेगा, बहुत लोएस्ट टेम्परेचर तब बनेगा, लैब में बनेगा, घर पे यहाँ बन नहीं सकता। यहाँ पे पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये सुपरकंडक्टर है। तो रेजिस्टिविटी रो बिकम जीरो बिलो अ सर्टन टेम्परेचर नोन एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अगर आपका टेम्परेचर अबव क्रिटिकल है तो रेजिस्टिविटी नॉर्मल कंडक्टर की तरह फॉलो करती है, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर क्रिटिकल से कम है तो वो सुपरकंडक्टर की रेजिस्टिविटी फॉलो करती है, जो कि ऑब्वियसली जीरो ही हो जाती है। तो किसी भी इस ग्राफ के अंदर कोई भी नॉर्मल मेटल की अगर रेजिस्टिविटी का ग्राफ प्लॉट करना हो टेम्परेचर पे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे देखो यहाँ पर कुछ तो होता ही है, मतलब टेम्परेचर अगर मिनिमम है तब भी कंडक्टर में कुछ तो होगा ही। तो रेजिस्टिविटी ऐसे चेंज होती है, इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। ये वेरिएशन याद रखनी है आपने। लेकिन सुपर कंडक्टर में ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर से लो तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, जीरो, और अगर ऊपर आ जाए तो फिर ये नॉर्मल मेटल की तरह ही काम करती है। तो ये ग्राफ पर थोड़ा सा दूर बनाना पड़ेगा और क्रिटिकल कट कॉन्सेप्ट शो करना पड़ेगा। सुपर कंडक्टर नॉर्मली बनता नहीं है या लैब में बहुत मुश्किल से बनता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो चाहिए इसके लिए। तो कह रहे हैं इफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेट अप इन अ सुपर कंडक्टर, मान लो कोई इलेक्ट्रिक करंट, एक बैटरी लगा के इलेक्ट्रिक करंट घुमा दे सुपर कंडक्टर में और फिर बैटरी को हटा दे, कई साल तक उस करंट को देखा गया है लैब में, कई साल तक करंट गायब ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि करंट जाने के लिए क्या चाहिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, जीरो है सुपर, तो फिर क्या फ्लो होता ही रहेगा, रेजिस्ट तो कर ही नहीं रहा, टक्कर तो कोई हो ही नहीं रही, एटम तो वो तो फ्री टू मूव है, हर वक्त चार्ज मूव करता रहेगा। तो ऐसा है, लेकिन चलो प्रैक्टिकली बनता नहीं है, वो बात अलग है। तो ये सुपर कंडक्टर है और क्रिटिकल टेम्परेचर इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, राइट, क्लियर है?